तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको पहाड़ों में मुकीम जो लोगों की सादा सी ज़िंदगी है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। आज हम एक से ही एक माँझी के घर आए हुए हैं। बूढ़ी खातून एक यहाँ पे रहती हैं, अकेले इस घर में रहती हैं। ये जो घर है बिल्कुल मट से बनाया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, दो से तीन कमरों पर मुश्तमिल ये छोटा सा घर है। इसमें ये जो बूढ़ी खातून है वो अकेली रहती हैं। हम ये देखेंगे कि ये ख़ास तौर पर रमज़ान में उनकी क्या रूटीन होती है और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं इन पहाड़ों में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे करीब में घर बने हुए हैं, बिल्कुल गांव के बीचों बीच ये जो बूढ़ी खातून है वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जी, ये है जी इनका छोटा सा किचन। यहाँ पे मांझी जो है वो अपने लिए खाना वगैरह बनाती हैं। ये चूल्हा है, तो अभी हम देखेंगे कि मांझी अपने लिए क्या बना रही है इस वक्त। बिल्कुल छोटा सा ये कमरा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं बिस्तर वगैरह भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो गालिबा इनके किचन भी यही है और बेडरूम भी यही है। तो बहुत ही सिंपल से इनका घर है, बहुत ही सिंपल इनका रहन सहन है। और साथ में हमें खुशी हुई दोस्तों, ये देख सकते हैं बिजली यहाँ पर है, बिजली का सिस्टम यहाँ पर है, तो मांझी के लिए लाइटिंग का कोई मसला नहीं है। बाकी इनके आप देख सकते हैं एक तरह से अकेले मुश्किल हालात भी हैं और बहुत ही सादा सी इनकी ज़िंदगी है। तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे एक मांझी का छोटा सा एक गार्डन है, यहाँ पे घास उगाई गई है। तो मांझी हर रोज़ शाम से पहले यहाँ आती हैं और अपने माल मवेशियों को यहाँ से घास उठाती हैं। इन्होंने गाय पाल रखे हैं। उम्र चिता मजो ना तालो मिशो सुन ना क्यों तो चौगा तो मिंजो। अच्छा ना, ये कह रही हैं तो इनकी जो एज है वो 70+ बता रही हैं। तो मतलब ये हमारे लिए बहुत हैरानी की बात है, इस उम्र में भी ये अकेली रह रही हैं। तो यहाँ तो दुखने जो नानू सही। तो माँ जी कह रही हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं वो वफात पा चुके हैं, इसलिए ये अकेली रह रही हैं। ओहो, अल्लाह खैर करे। तो माँ जी कह रही हैं कि इनके जो खेत वगैरह थोड़े बहुत बचे हुए थे वो भी बदकिस्मती से दरियाई कटाव की वजह से उससे भी हाथ धोना पड़ा है। पता मिंगा चिक दुख पन गाती फ्याक सी बेट जू गाती काली वाले काले जू यो थू मत फ्याक सी बेट लास्ट चिंग आले न्यान में मत मिला था जू इक ना लास्ट वा मंगन फिन शेले पुरो मंगन फिन जिंग दा खा जू खा वा मंगन फिन। तो माँ जी कह रही हैं कि बस ये अकेली रहती हैं, बस अकेली ज़िंदगी गुजारने में सुकून है, बस इबादत करते हैं, सुकून से अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो यही कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मसाइल अपनी जगह पे ज़रूर हैं अकेले ज़िंदगी गुजारने का, और जाहिर है काफ़ी उम्र भी आ चुकी है तो मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक तरह से सुकून भी है उनको अकेली ज़िंदगी गुजारने में। उसे आँच ही कलन जू माचू अच्छा पाई चे गया इफ्तारी बने जो और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये छोटा सा बैटरी यहाँ पे पता नहीं किसने किया हुआ है, ये जुगाड़ लगाया हुआ है बिजली बंद होने की सूरत में। यहाँ पे ये एक लाइट यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, ये शायद गालिबा मोबाइल की बैटरी है। इधर से कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ से बल्ब भी इधर से जल रही है। तो ये देख सकते हैं जी, मांझी का जो घर है वो बिल्कुल पहाड़ के सामने ही बनाया हुआ है। और ये है जी गांव की गली। जी ये छोटी सी यहाँ पे कोल है, इधर से मांझी खाना वगैरह बनाने के लिए पानी उठाती हैं।
ये देखें जी, यहाँ पे लकड़ी का एक सीढ़ी बनाया हुआ है जिसकी मदद से माँ जी जो है वो अपने घर जाती हैं। वो माँ जी के लिए हमारी तरफ से ये छोटी सी गिफ्ट हम लेके आए हैं, तो मतलब ये ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है ये। नो जी नो दी आंग सी दस है जो ये क्या है, मिल्क पैक के कार्टन लेके आए हैं जी, और इनकी बस ज़रूरत ज़िंदगी की थोड़ी बहुत चीज़ें हम लेके आए। ये ओनियन कुछ लेके आए, प्याज, इंशाल्लाह कुछ दिन गुजर जाएंगे आपके इंशाल्लाह। नो जी नो आयल कुकिंग आयल है, खानों में ज़्यादातर जाहिर बात यही इस्तेमाल होती है, तो हम ये ज़रूर लेके आते हैं और इसको ज़रूर शामिल करते हैं। तो नो जी नो दी चावल चीन है जो हमारी तरफ से इस ईद पे, अभी क्योंकि ईद भी करीब आ रही है तो इसलिए हम ये स्पेशल लेके आए। दी आला बनियान है जो नया बनियान जो जो अदी बूट पो है जो नो जी नो इशूज। तो ये बस थोड़ी चीज़ें थी हमारी तरफ से माँ जी के लिए और आप लोगों की तरफ से भी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जो जो लोग हमें हम जिन जिन लोगों ने हमें से पैसे भेजे थे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो हम कोशिश करते हैं हाँ ज़्यादातर ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं और जो मतलब उनकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं होता, हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बनाई जाए। बाकी हमारा इसमें कोई कमाल नहीं होता, बस ये जो हम देते हैं ये आप में से जिन जिन लोगों ने हमें पैसे भेजे हुए होते हैं तो हम उनमें से इनके मांझी के लिए और मांझी जैसे और लोगों के लिए हम ज़रियात की चीज़ें, और ख़ास तौर पर अभी ईद आ रही है तो हमारी ये कोशिश है कि इस ईद पे ऐसे लोगों को ईद की जो कपड़े वगैरह हैं वो ला के दे रहे हैं इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा ये रकम माँ जी को दे रहे हैं, बस हमारी कोशिश है कि बस मैंने थोड़ा वक्त गुजर जाएंगे। तो देखिए जी ये छोटा सा घर है, माँ जी कोशिश करती हैं इसको साफ़ सुथरा रखने की, तो कह रही थी कि मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा झाड़ू लगाती हैं, तो माशाल्लाह से ये छोटा सा घर है, काफ़ी साफ सफाई का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा है माँ जी ने। तो ये देखें जी घर की छत के ऊपर ना माँ जी जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि इफ्तारी बनाने के लिए यहाँ पे लकड़ी वगैरह सुखाए गए हैं और यहाँ पे गोबर सुखाए गए हैं। ये देखें जी यहाँ से जलाने के लिए गोबर उठाए जा रहे हैं। तो माँ जी कह रही थी लकड़ी का इंतज़ाम नहीं है, तो उन्होंने गोबर वगैरह जमा किए हुए थे यहाँ पे सुखाने के लिए रखे थे, तो इफ्तार बनाने के लिए यही गोबर जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उमा बमा जो गुजारा होता है, तो कह रही हैं कि एक गाय है वो थोड़ा बहुत दूध देती हैं, तो दूध की ज़रूरत पूरा हो जाती है। तो यहाँ से शी बिन से मत पजू नजू अच्छा अच्छा ही मैं तो या बांग या शिलाप फेंक दी। तो कह रही हैं कि लकड़ी ये ख़रीद नहीं सकती, अपने जो 3-4 दरख्त थे वो दरिया बुर्द हो गए, मतलब दरिया काट के लेकर गए। ये आप देख सकते हैं सूरज यहाँ से अभी अभी ग़ुरूब हो चुका है, बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ से गिरा हुआ एक गाँव है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। यहाँ पे हाल ही में एप्रिकॉट ब्लॉसम का सीज़न ख़त्म हो चुका है, अभी मौसम में बहार शुरू हो चुका है यहाँ पे। ये देख लीजिएगा बहुत ही खूबसूरत छोटा सा विलेज है, आसपास भी कुछ ऐसे ही घर हमें नज़र आते हैं। तो हमने आपको ना इनके घर की थोड़ा टूर भी कराना था, लेकिन ये बस सिर्फ एक किचन ही है और यहाँ पे एक कमरा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए। ये देख लीजिए ये छोटा सा स्टोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही संदूक यहाँ पे रखे हुए हैं और एक दो कंबल यहाँ पे,
है और इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो ये इनका स्टोर है, यहाँ पे अपने लिए चीज़ें जो हैं वो स्टोर करके रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।